जब मैं स्टूडियो में झाड़ू निकाल रहा था तो कचरा उड़कर वापस आने लगा और वो तो झाड़ू में ही फंसने लगा और मैं तो परेशान होकर वहीं पर बैठ गया। कुछ देर सोचने बाद मुझे एक आइडिया आया। मैंने इस बोतल को तीन जगह से काट लिया और नीचे वाले हिस्से में कुछ ऐसे छेद कर दिए। फिर इस कैन को काट कर ऐसा फैन बनाया और एक डीसी मोटर लेकर उसके ऊपर लगाने के बाद उसे बोतल के निचले हिस्से में डाल दिया। फिर एक जाली लेकर उसको भी इसके आगे लगा दिया। फिर पीवीसी पाइप से ऐसा शेप बनाया और उसे बोतल के ऊपर चिपका दिया। इसके बाद एक स्विच और तार ली और दोनों को इसके ऊपर चिपका दिया। फिर एक प्लास्टिक के पाइप को ऊपर वाले हिस्से में डाला और उसे नीचे वाले हिस्से के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर 12 वोल्ट की बैटरी को इसके साथ जोड़ने के बाद तो बनकर तैयार है होममेड वैक्यूम क्लीनर। और इस बटन से चालू करने के बाद जब मैं इसे कचरे के पास लेकर गया तो सारा कचरा इस पाइप के थ्रू इस बोतल के अंदर इकट्ठा होने लगा।